नमस्कार। आज की मेरी वीडियो है त्वचा रोगों के बारे में। जितने भी प्रकार के त्वचा रोग हैं, आज मैं जो आपको औषधि बताऊंगी, उनके प्रयोग से शरीर के सब तरह के त्वचा रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएंगे और आपकी त्वचा बिल्कुल सोने की तरह दमकने लगेंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ त्वचा रोग कौन कौन से इन औषधियों से ठीक होंगे जो मैं आपको बताऊंगी। और जो मैं आपको औषधियाँ बताऊंगी वो बिल्कुल घरेलू होंगी, पेड़ पौधों से निर्मित होंगी जो आपके आसपास खड़े हैं, और जो थोड़ी बहुत आपको बाजार से लानी है वो भी बड़े आराम से आपको उपलब्ध हो जाएंगी पंसारी की दुकान पर। तो सुनिए, अब त्वचा रोग कौन कौन से ठीक होंगे। जैसे चेहरा है, किसी का कितना सुंदर चेहरा होता है, तो चेहरे पर क्या होता है, कहीं कहीं कालापन आ जाता है, चेहरे पर दाग धब्बे हो जाते हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, किसी किसी को बड़े मस्से हो जाते हैं, तो उससे चेहरा सुंदर नहीं लगता। और क्या हो जाता है, दाद हो जाते हैं, चमले हो जाते हैं, सोराइसिस हो जाता है। सोराइसिस क्या होता है, शरीर पर ऐसे फैलता है जैसे बेल फैलती है, लता फैलती है, और सिर तक पहुँच जाता है, खुजली बहुत तेज चलती है, पेट पर गोल गोल लाल लाल चटके हो जाते हैं। फिर जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो त्वचा रोगों की सबसे महंगी दवाइयाँ, सबसे महंगे डॉक्टर, और इलाज करवाते रहते हैं, आराम हो जाता है, कुछ समय बाद फिर हो जाती है। किसी किसी को तो मैंने देखा है सोराइसिस 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, और चमला, दाद, इसी तरह से समस्या होती रहती है, आराम हो जाता फिर हो जाती है। आज मैं जो उपाय बताऊंगी उनके करने से हर तरह के चर्म रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएंगे और आपकी श्रवण काया हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगी। एक चीज तो मैं ये बताऊंगी कि त्वचा रोग क्यों हो जाता है, किन चीजों के खाने से हो जाता है, वो ध्यान कर लेना। और फिर मैं परहेज बताऊंगी कि किन चीजों के छोड़ने से ये समस्या दूर हो जाती है। देखो, अगर आपने आप उस दिन खाते रहे जो मैं बताऊंगी, तो वही हाल होगा जो एलोपैथी की दवाइयां अब तक खा रहे, अगर आपने परहेज नहीं किया। परहेज क्या होता है, जिन चीजों से हमें ये समस्या होती है उसको दूर कर दो। दवाई में या औषधि में इतनी शक्ति नहीं होती कि पहले हमारी खाई हुई चीजें बाहर निकाले जो हमारी त्वचा को खराब करती हैं, फिर इतनी ताकत नहीं होती कि हमारे शरीर को भी ठीक करे, या अंदर जैसे हमारा शरीर दूषित हो गया उसको ठीक करे। तो इसका कारण यही है कि शरीर में जब गर्मी हो जाती है, पेट में गर्मी हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है, तब यह समस्या हो जाती है दूषित आहार खाने से। तो चलिए मैं आपको वो चीज़ें बता देती हूँ। मैंने 5-7 चीज़ों का चयन किया है इन ग्रंथों में से, ये जो मेरे पास छोटे छोटे ग्रंथ है वैदों के लिखे, बड़े ग्रंथों में से छांट कर, तो इनमें से मैंने एक कागज़ पर कुछ औषधियाँ लिखी जो बड़ी आसान है, मैं आपको बताऊँगी घरेलू, और वो अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊँगी आपको क्या करना है। देखो, एक तो लेना है आप करंज, करंज के बीज, इसमें लिखा करंज के बीज। करंज के बीज ऐसे होते हैं कि सड़कों के किनारे हर जगह खड़े रहते हैं, हल्के हल्के पीपल के पत्तों से उनके पत्तों का मेल खाता है, और उनके जो बीज होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं, बादाम की गिरी के जैसे उनमें से गिरी निकलती है, वैसे मैं फोटो भी आपके पास उनका भेज दूंगी। करंज के बीज, पहले आप औषधियों के नाम सुन ले, बाद में मात्रा बता दूंगी, सब मात्रा लेनी, सबकी बराबर मात्रा लेनी है। दूसरी चीज क्या है, नीम की छाल। नीम की छाल कैसे लेनी है वो भी आप जान ले। ऊपर की सूखी हुई छाल हटा करके नीचे की अंतर छाल आपको लेनी है। करंज के बीज एक हो गए, नीम की छाल दो हो गई, नीम को भी सब जानते हैं। तीसरी चीज है खैर की छाल। खैर भी एक कीकर के जैसा पेड़ होता है, बबूल के जैसा पेड़ होता है, गांव के लोग जानते हैं, किसान लोग जानते हैं, बुजुर्ग लोग जानते हैं। अगर नहीं मिलती तो बाजार में मिल जाती बड़ी आसानी से। चौथी चीज है हल्दी। हल्दी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और ये पांचवी चीज है दारू हल्दी, ये भी एक हल्दी है। अच्छा, छठी चीज है बावची बीज। बावची का एक पौधा होता है, उस पर जो बीज आते हैं उसको कहते हैं बावची बीज। फिर आगे है गिलोय। गिलोय की लता आजकल हर कोई जानता है, हर घर में गिलोय है। गिलोय की लता जो होती है उंगली की जितनी मोटी आपको लेनी है सब मात्रा में, और उसको कूट पीस करके, मैं बाद में तरीका सारा बता दूंगी, पहले दवाइयों के नाम समझ ले। और फिर है चिरायता, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएंगे बड़े आराम से मिल जाएगा। दूसरी चीज है कुटकी, और अगली चीज है मंजीठ। ये 10 चीजें हैं जिनका मैंने चयन किया है। चीजें तो और भी बहुत सारी हैं, द्रोण पुष्पी है, उष्बा है,
पवाड़ के बीज हैं और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन आप ये 10 चीजें कर लीजिए। अगर इनमें से कोई चीज एक आध आपको ना मिले तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। कितना भी पुराना सोराइसिस हो, जिसके सिर तक भी पहुंच गया, चेहरे तक भी अगर पहुंच गया है, बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। और इनका प्रयोग मैंने बहुत सारे रोगियों पर किया है और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अब मैं आपको इनका खाने का तरीका बता देती हूँ, कितनी मात्रा में ये औषधियाँ आपको खानी है और कितने समय तक खानी है, तो और बाद में मैं आपको परहेज बताऊंगी जो बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए मैं आपको इनकी मात्रा बता देती हूँ। लगभग सभी औषधियाँ आप 60-60 ग्राम ले लें, यानी 10 औषधियाँ हैं, 600 ग्राम औषधि होगी, ये होगी 3 महीने की। तो रोजाना की मात्रा कितनी है, लगभग 3 ग्राम, 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को, यानी एक छोटा चम्मच। लेनी कैसे है, एक छोटा चम्मच चूर्ण, सभी औषधियों का जैसे चूर्ण बना लिया, एक डिब्बे में डाल लिया, तो एक छोटा चम्मच चूर्ण 2 गिलास पानी में डालकर धीमी आंच से पकाएं। पकते पकते 1 ग्राम एक कप के करीब रह जाए, यानी 50 ग्राम रह जाए, जब नीचे उतार कर छान लें और खाली पेट उसको पी लें और 1 घंटे बाद भोजन करें। इसी तरह से शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले लें। कैसे लेनी है, वही 3 ग्राम औषधि लगभग एक छोटा चम्मच 2 गिलास पानी में डालें, धीमी आंच से पकाएं। पकते पकते एक छोटा कप शेष रह जाए, यानी 50 ग्राम रह जाए, जब नीचे उतार कर छान लें और खाली पेट उसको पी लें, 1 घंटे बाद भोजन करें। इस तरह से आपको 3 महीने इसका प्रयोग करना है। और जिनको ज़्यादा बीमारी है, सोराइसिस है, और तो वो थोड़े लंबे समय तक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी बीमारी तो 3 महीने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। और प्रयोग करने का एक तरीका मैं आपको और बता देती हूँ, जिनको लंबे समय तक प्रयोग करनी है, 3 महीने के बाद 10 दिन आपको सारी औषधियाँ छोड़ देनी है और फिर नए सिरे से आपको शुरू करनी है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि कोई भी औषधि अगर रेगुलर लंबे समय तक खाई जाए, लगातार खाई जाए, तो वो भोजन में शामिल हो जाती है। तो इस वजह से प्रयोग करना, ऐसे आपको प्रयोग करना है। अब मैं आपको परहेज बता देती हूँ। परहेज में नमक, नमक से मेरा तात्पर्य यह समुद्री नमक, चीनी, चीनी से मेरा तात्पर्य यह किसी भी तरह का मीठा, चाय, कॉफ़ी, मिठाई, दूध, दूध से बनी हुई चीज़ें, और अचार, अचार से मेरा तात्पर्य यह है कि इमली है, आम का अचार है, बाहर का भोजन है, क्योंकि उसमें यही नमक होते हैं और यही सारी खटाई होती है, इन चीज़ों का बिल्कुल परित्याग करना। क्योंकि आयुर्वेद कहता है जिस चीज़ को हम बाहर निकाल रहे हैं और वो ही हम खा रहे हैं, तो आप कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी औषधि में इतनी शक्ति नहीं होती जो विरुद्ध आहार हम खा रहे हैं पहले उसको निकाले फिर हमारे शरीर को शुद्ध करें। तो परहेज क्या क्या है अब वो सुन लीजिए। जैसे परहेज में आपको एक मेन बात और है जो मैंने आयुर्वेदिक ग्रंथों से ली है, उसमें लिखा है कि मछली के साथ अगर हम दही खाते हैं तब भी हमारा खून खराब हो जाता है और हमें त्वचा रोग हो जाते हैं। दूसरी चीज़ वो लिखते हैं, अगर मलमूत्र हमने रोक लिया, क्योंकि मलमूत्र भी दूषित होता है, लंबे समय तक हम रोके रहते हैं, इससे भी हमें त्वचा रोग हो जाते हैं। और जैसे कोई चीज़ तेल की बनी हुई है, जैसे मालपुए हैं, कुछ भी है तेल की बनी हुई चीज़, अगर हम उसको गुड़ से खाते हैं तब भी हमें ये समस्या हो जाती है। और बहुत सारी ये चीज़ें आप तो सभी समझदार हैं, जानते हैं, खट्टा है, नमकीन है, इसके साथ दूध का प्रयोग करते हैं। वैसे तो खट्टे और नमक के साथ कोई दूध का प्रयोग नहीं करता है, मेरा कहने का मतलब ये भोजन के साथ अगर हम ये चीज़ें खा रहे हैं और ऊपर से दूध पी रहे हैं तो हमारा रुधिर खराब हो जाता है, खून खराब हो जाता है और हमें त्वचा रोग हो जाते हैं।